शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 13 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 13 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, चलते हैं कोट ऑफ द डे की तरफ। तो दोस्तों, टुडे इज़ अवर कोट ऑफ द डे, ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर आपके पास जज्बा है तो आपका सभी ड्रीम कंप्लीट होगा। तो इसीलिए जज्बा के साथ, पैशन के साथ रोज अपना काम करते चलिए, आपका एक ना एक दिन ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, यानी कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट टुडे वी स्टार्ट अवर टुडे सेशन दोस्तों ऑफ 13 सितंबर, यानी कि 13 सितंबर 2022 के दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में कब दोस्तों मनाया गया? तो दोस्तों, हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे यानी कि वर्ल्ड ईवी डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, हर साल 9 सितंबर 2022 को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ई मोबिलिटी के यूसेज को चिन्हित करने के लिए हर साल यह दिन 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे के रूप में मनाते हैं। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों यह दिवस मनाने का? तो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेजेस, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके यूसेज को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे के रूप में मनाते हैं। और 2020 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। और दोस्तों, इंडिया में अभी हाल ही में फ़िलहाल में 3 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों इंडिया में, जो कि 2020 से लेके 2022 तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ 168% का ग्रोथ आया है दोस्तों ईवी मोटर्स में इंडिया में। और टाटा इज़ द लीडिंग ब्रांड ऑफ ईवी इन इंडिया। तो दोस्तों, टाटा की सबसे अच्छी गाड़ियाँ भी रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वही ज़्यादा चलती है इंडिया में। तो दोस्तों, हाल ही में 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात है, और दुनिया का सबसे ऊँचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थित है। और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड इंडियाज इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक शिप, वो जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। और हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को हाल ही में मुंबई में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में कलम नो कार्निवल पुस्तक फेयर यानी कि पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो गुजरात अहमदाबाद में किया गया। तो दोस्तों, हर साल नव भारत साहित्य मंदिर हर साल अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल बुक फेयर का आयोजन करता है। और दोस्तों, गुजरात के ज्ञान साहित्य का प्रचार करने के लिए यह कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। और कलम नो कार्निवल यह मेला गुजराती एज वेल एज इंग्लिश और हिंदी साहित्य का मेला है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में पुस्तक से याद आया, बुक कैपिटल सिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को नियुक्त किया गया। हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में अपन ने 23 अप्रैल को मनाया। हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे अपन ने 2 अप्रैल को मनाया। और दोस्तों, हाल ही में झारखंड का जामताड़ा जिला यह भारत का पहला जिला है जिसके हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी है। और हाल ही में अभी दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद शहर से मेरे को कुछ याद आया, वो भी आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनस्पेस का उद्घाटन किया अहमदाबाद गुजरात में, और 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन भी अहमदाबाद में होगा। और हाल ही में अहमदाबाद और केरल राज्य को टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 में भी शामिल किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले यानी कि बुक फेयर का उद्घाटन
किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना ने पंजाब राज्य में गगन स्ट्राइक नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना और हमारी इंडियन वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब राज्य में गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो दोस्तों दुश्मन से रक्षा करने और देश को बचाने के लिए यह अभ्यास का आयोजन पंजाब राज्य में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पंजाब राज्य में गगन स्ट्राइक नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। और दोस्तों हाल ही में किए गए कुछ एक्सरसाइज के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया और मलेशिया ने उदार शक्ति नामक वायु एक्सरसाइज यानी कि एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज किया था, जो कि मलेशिया में ही किया था। तो दोस्तों मलेशियन रॉयल आर्मी के साथ अपन ने इंडियन एयरफोर्स ने उदार शक्ति नामक एक्सरसाइज का आयोजन मलेशिया में ही किया गया था। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों हाल ही में भारत और यूएसए के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में वज्र प्रहार नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही खंजर नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। और दोस्तों हाल ही में अक्टूबर 2022 में युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज का आयोजन उत्तराखंड के ओली में किया गया, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में होगा। और हाल ही में अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। हाल ही में अल नजाह नामक एक्सरसाइज का आयोजन भारत और ओमान देश के बीच में किया गया था, जो कि राजस्थान में किया गया था। और दोस्तों ओमान के साथ अपन एक और एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और दोस्तों हाल ही में विनबैक्स नामक एक्सरसाइज अपन ने वियतनाम के साथ किया था हरियाणा में। और हाल ही में बांग्लादेश के साथ अपन ने संप्रीति नामक एक्सरसाइज किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारत तीसरे नंबर पर था, पहले पे यूएस, दूसरे पे रूस की वायुसेना थी। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने पंजाब राज्य में गगन स्ट्राइक नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल जी बन गए। तो दोस्तों वेदांत पटेल जी प्रिंसिपल डिप्यूटी स्पोक पर्सन फॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट है। उन्होंने ही अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने वाले वह पहले भारतीय अमेरिकी बन गए। और दोस्तों हाल ही में मीडिया के सामने फॉरेन पॉलिसी इस मुद्दे पर देश का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट फॉगी बॉटम हेडक्वार्टर के ब्रीफिंग रूम में इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की, जो कि इन्होंने इतिहास रच दिया, जो कि पहले भारतीय अमेरिकी बन गए वेदांत पटेल जी ऐसा करने वाले। तो दोस्तों हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में बीके त्यागी जी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में चुने गए। हाल ही में संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में डीआरडीओ के नए चेयरमैन अध्यक्ष सतीश जी रेड्डी के जगह है समीर वी कामत जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल जी बन गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत की पहली इंट्रांसनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उसका नाम है इनकोवैक। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली इंट्रांसनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। तो दोस्तों यह मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी। यह मंजूरी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ प्राइमरी वैक्सीनेशन के रूप में उपयोग के लिए दी गई है। और दोस्तों हाल ही में भारत बायोटेक ने बनाया गया भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल, जिसका नाम है दोस्तों इनकोवैक। और दोस्तों अभी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को चुना गया, जो कि भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन है।
जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई। और दोस्तों हाल ही में एनिमल्स के लिए पहला कोविड वैक्सीन अभी एनोकोवैक्स नामक को डेवलप किया गया था, और हाल ही में कोविड 19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत यह पहला देश बना, जिसका नाम है, उस वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी, जो कि जाइडस कैडिला गुजरात बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई गई। और हाल ही में प्लांट बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला कैनेडा यह दुनिया का पहला देश बन गया। और हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नामक कोविड वैक्सीन की वैक्सीन बनाई थी। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई, जिसका नाम है इनोकोवैक्स। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फोर्जिंग मेटल निपेंद्र राव द एंड द पेनर स्टोरी नामक पुस्तक को पवन सी लाल जी ने लिखा है। तो मुंबई के जाने माने फेमस लेखक और पत्रकार पवन सी लाल, उन्होंने फोर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी नामक किताब लिखी है। और दोस्तों पवन सी लाल जी ने फॉर्चून पत्रिका के इंडियन एडिशन के लिए भी लिखा था, और उन्होंने अभी फोर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी नामक किताब को लिखा है। और हाल ही में 2016 में सिटी जर्नलिस्ट एक्सेलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था पवन सी लाल जी को। तो दोस्तों हाल ही में फॉर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड पेनर स्टोरी नामक पुस्तक को पवन सी लाल जी ने लिखा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जे सिंह जी ने द मैकमोहन लाइन को लिखा था, द मैकमोहन लाइन पुस्तक को लिखा था। और हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा था। और हाल ही में द क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में फॉर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी नामक पुस्तक को पवन सी लाल जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में प्रिंस विलियम्स को नामित किया गया। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि प्रिंस विलियम्स को प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया, और उनकी पत्नी प्रिंसेस केट यानी कि वह प्रिंसेस ऑफ वेल्स के रूप में उनकी पत्नी कैट जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आप सभी को पता होगा क्वीन एलिजाबेथ टू का मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था, और तो उनके ही पोते हैं प्रिंस विलियम्स जी, जिनको अभी हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में प्रिंस विलियम्स को नामित किया गया। और दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ टू के बेटे किंग चार्ल्स जी बने राजा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में प्रिंस विलियम्स को नामित किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, लिस्ट्रस जी, जो कि तीसरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की। और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कौन बन गए, विक्रम दुर्रईस्वामी। तो हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में प्रिंस विलियम्स को नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी करेगा। तो दिसंबर 2022 में सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी कर रहा है। तो रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट स्टेडियम में सिक्किम राज्य अपनी पहली रणजी ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी करेगा। तो सिक्किम रणजी ट्रॉफी के साथ साथ दो कूच बिहार ट्रॉफी मैचेस, तीन कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी मैचेस का भी आयोजन करेगा। और रणजी ट्रॉफी 2022 को पहली बार एमपी ने जीता है दोस्तों मुंबई को हरा के। तो 41 टाइम्स रणजी चैंपियन को हरा कर पहली बार मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 को पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता। तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बीसीसीआई के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड को चुना गया। तो दोस्तों बीसीसीआई के अभी सभी घरेलू और डोमेस्टिक मैचेस के लिए टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है दोस्तों मास्टर कार्ड, जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है। तो पेटीएम की जगह अभी मास्टर कार्ड यह इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो दोस्तों महिलाओं की मैचेस हो या पुरुषों की, टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड ही होगा। और दोस्तों हाल ही में टाटा ग्रुप ने 2022-23 के आईपीएल स्पॉन्सर किए थे।
जो कि टाइटल स्पॉन्सर थे और हाल ही में 2022 फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस एजुकेशन कंपनी बन गया था। तो दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस के लिए टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एमआरआई मशीनों में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को अभी डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया है जो कि किसने डेवलप किया, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने। तो दोस्तों हाल ही में एमआरआई मशीन में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने डेवलप एंड रिसर्च किया। तो न्यू दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने एमआरआई मशीन में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को डेवलप किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग एमआरआई मैग्नेट सिस्टम को लॉन्च किया, जो कि 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमआरआई और हाल ही में भारत में एमआरआई मशीनों के स्वदेशी प्रोडक्शन को सक्षम बनाएगा यह आविष्कार, यह इन्वेंशन। और भारत पूरी तरह पे एमआरआई मशीनों पे इम्पोर्ट पे ही डिपेंड करता है, सारी की सारी एमआरआई मशीनें अपने यहाँ से विदेश से ही मंगवाई जाती है। तो दोस्तों हाल ही में एमआरआई मशीन में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने डेवलप किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविज़न कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे के रूप में मनाया गया और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में कलमनो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया और हाल ही में भारतीय सेना ने पंजाब राज्य में गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना और अपनी भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया और हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल जी बन गए और हाल ही में भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। हाल ही में फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड पिन्नर स्टोरी नामक पुस्तक को पवनसी लाल जी ने लिखा। हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में प्रिंस विलियम्स को नामित किया गया। हाल ही में सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी करेगा और हाल ही में बीसीसीआई के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस के लिए टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है जो कि मास्टर कार्ड होगा और हाल ही में एमआरआई मशीन में इस्तेमाल होने वाले भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने डेवलप किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों कल के क्वेश्चन के तरफ अपन बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य में सीएम नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बिहार, जो कि आप सभी ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया था दोस्तों। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भले।